नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक लोकल TV आई है और इसमें स्पार्क होने की प्रॉब्लम आई है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसे चेक करके आपको हम दिखाते हैं। तो जैसे हम TV पर पावर देते हैं और TV जैसे ही स्टार्ट होती है, देख सकते हैं इसमें ये, चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं स्टैंड बाई से। और देख सकते हैं टीवी से हमारी लाइटिंग भी आ रही है और करंट भी हो रही है। तो इस तरह की अगर करंट आती है आपके भी टीवी से, तो स्पार्क गार्ड को नहीं छूना है, ST को भी नहीं छूना है, नहीं तो करंट भी लग सकता है। ये बहुत ही रिक्सी वाली काम है। तो सबसे पहले इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ST की कैप को जो है बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर लीजिएगा और इस स्पार्क गार्ड को जो है इस तरह से टच करके इसको बाहर निकालना है, ठीक है। हाथों से नहीं छूना है, नहीं तो करंट भी लग सकता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ST का कैप को जो है बाहर निकाल चुके हैं और यहाँ पानी जो है लगने के कारण ही हमारी इसमें स्पार्किंग होता है, ठीक है। तो इस रीजन में हम क्या करेंगे, ये जो कैप देख रहे हैं यहाँ से भी हमारी करंट लीक हो रही थी, ठीक है, इस जगह से, ठीक है। इसमें ओवर करंट बनने के कारण हमारी यहाँ से करंट जो है बाहर निकल जा रही थी। तो इस कैप को हम चेंज कर देंगे, ठीक है, और फिर से हम इसको लगा के एक बार हम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको सेट करके एक बार हम TV को स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम कैप को नया लगा चुके हैं। अब चलिए इसमें हम थोड़ी सी इसमें हम स्पार्क गार्ड लगाते हैं और फिर हम इसे सेट करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अच्छी तरह से इस लेप को लगा देना है, ठीक है। इसमें आपकी जो करंट आ रही थी वो दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। अब इस कैप को हम लगा देंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम TV को स्टार्ट करके देखते हैं। तो चलिए अब TV हमारी स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हैं TV से हमारी स्पार्क होने की आवाज़ जो थी वो बंद हो चुका है। तो TV स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं साउंड जो निकल रही थी, स्पार्क यहाँ हो रही थी ST से, वो हमारी बंद हो चुका है। अब चलिए हम TV को स्टार्ट करके आपको हम दिखाते हैं आगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए TV हमारी फुल्ली स्टार्ट हो चुकी है, कोई भी स्पार्क नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इस तरह से आप जो स्पार्क होने वाली फॉल्ट है इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।